नमस्कार दर्शकों, नजर डालते हैं आज की फटाफट बुलेटिन पर। पंजशीर में तालिबान को मिला पाकिस्तान का साथ, नॉर्दर्न अलायंस का दावा, तालिबान के लिए लड़ रहा पाकिस्तान। पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर ने नॉर्दर्न अलायंस पर बरसाए बम। हमले में एनआरएफ को बड़ा नुकसान, उसके कई बड़े नेता मारे गए। मसूद ने एक बार फिर तालिबान से बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की पेशकश की। मसूद ने लड़ाई रोकने में दुनिया से दखल देने की मांग की। भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए 38,948 नए मामले, 43,903 लोग हुए ठीक। 24 घंटे में 219 लोगों की कोरोना से हुई मौत। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 68 करोड़ से ज्यादा दी गई डोज। तालिबान के वरिष्ठ नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरदार ने संयुक्त राष्ट्र में मानवीय मामलों के अवर महासचिव मार्टिन ग्रिफिथ से की मुलाकात। ग्रिफिथ ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र जारी रखेगा अफगानिस्तान के साथ अपना समर्थन और सहयोग। पांचजन्य में छपे इंफोसिस की आलोचना वाले लेख से आरएसएस ने बनाई दूरी, कहा आरएसएस का मुखपत्र नहीं। लेख में कहा गया था कि इंफोसिस का राष्ट्र विरोधी ताकतों से है संबंध, विपक्षी दलों ने लेख को बताया राष्ट्र विरोधी। मध्य प्रदेश में हेडगेवार और पंडित दीनदयाल को पढ़ेंगे एमबीबीएस के छात्र। कांग्रेस ने भाजपा पर छात्रों पर जनसंघ व आरएसएस विचारधारा थोपने का लगाया आरोप। शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा पहल का उद्देश्य छात्रों को सामाजिक और नैतिक मूल्य सिखाना है। ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस। 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप के मामले में जारी किया नोटिस। मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने लगाए थे आरोप। 5 बार समन भेजने के बाद भी पेश नहीं हुए थे देशमुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैरालंपिक खिलाड़ियों के स्वदेश लौटने पर उनकी मेजबानी करेंगे, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपियन के भारत लौटने पर की थी मेजबानी। भवानीपुर उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी होगी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार। नंदीग्राम सीट पर भाजपा की शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी ममता बनर्जी। बनर्जी को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए इस उपचुनाव में जीत हासिल करनी होगी। मैच के बीच टीम इंडिया को बड़ा झटका। टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री कोरोना वायरस से संक्रमित। शास्त्री के अलावा बॉलिंग कोच भरत अरुण और सपोर्ट स्टाफ के 2 अन्य सदस्य को भी आइसोलेशन रखा गया। भारतीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड में है। कांग्रेस नेता राहुल अगले हफ्ते जा सकते हैं जम्मू। वैष्णो देवी के दरबार में भी जाएंगे राहुल। कार्यकर्ताओं और कैडरों का मनोबल बढ़ाने के लिए संबोधन करेंगे राहुल। 10 अगस्त को श्रीनगर में खीर भवानी मंदिर के साथ साथ हजरत बल दरगाह में गए थे राहुल गांधी। ये तो फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।